अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आरएफ बरकत वर्ल्ड चैनल। तो ये है मेरा लखनऊ व्लॉग 2। तो लखनऊ व्लॉग मींस लखनऊ जो मैंने स्टार्ट किया था वो व्लॉग 1 था और ये लखनऊ का टूर 2 है। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे माय लवली एंड माय स्वीट से व्यूअर्स। एंड मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी लेकर के आई हूँ, स्टोरी मीन्स अपना व्लॉग लेकर आई हूँ कि आप लोग सभी देखें कि जब मैंने बस सिर्फ सूटकेस रखते हुए दिखाया था उसके बाद मैंने एंड कर दिया था। उसके बाद से ये है अभी हावड़ा स्टेशन जो है धीमे धीमे छूट रहा है। ये तेज़ रफ्तारों से हावड़ा स्टेशन बिल्कुल पीछे हो गया और हम निकल गए आगे। तो कितना अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया था उसके बाद मैं ट्रेन में बैठी हूँ। और उससे ज़्यादा मुझे ये खुशी हो रही थी कि बस जल्दी से घर आ जाए और जल्दी से घर वालों को देखे, इन्जॉय करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक हफ़्ता कैसे निकला बिल्कुल भी नहीं पता चला। और यहाँ पर बस हमारे अभी तो मज़े ही मज़े थे, क्योंकि जाने में तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है कि इस तरह से करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे मिलेंगे, वो वैसे रहेंगे, बट जब आने का होता तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। जिनका मायका दूर है ना, वो ज़रूर समझ सकते हैं इस फीलिंग को। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सोचा चलो बाहर के नज़ारे आप लोगों को दिखाए जाए, और कुछ नहीं, सिर्फ ये थोड़ा ही से मैंने व्लॉग जो है मतलब सॉरी ट्रेन का जो मैंने ये पार्ट से थोड़ा ही सा लिया था। तो बस आप देख सकते हैं क्या अच्छे नज़ारे, और हमारे बंगाल की हरियाली तो वैसे ही जो है मशहूर है। तो यहाँ पर जो अभी मैं बेटू बेटू क्या खा ले, खा लो बता दो मेरा बच्चा। शोना शोना बेटा इधर इधर, शोना कहाँ जा ले? तो जी यहाँ पर जो है बस अब हम लोगों ने अपना जो है लंच एंजॉय करा था। यहाँ पे मैं लेकर आई थी बिरयानी, मज़ेदार सी मैंने जो है चिकन बिरयानी बनाई थी, रोटी थी, शामी कबाब थे, गुलाब जामुन थे, बहुत सारी मिठाइयाँ मिली थी मुझे ससुराल की तरफ से भी, और मैं सैलड भी बना करके लाई थी। आप देख सकते हैं नींबू इतने ज़्यादा मैं लेकर आ गई थी, गुलाब जामुन थे, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही तो मुझे लालच आ रही है। और बहुत ही मस्ती हम लोगों ने की थी, काफ़ी टाइम बाद हमारी फैमिली जा रही थी बाहर तो जाहिर सी बात है। और तो बस यही सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने कैप्चर करी और आप सभी के साथ मैंने शेयर की है, ताकि आप लोग भी अगर लखनऊ के हो या कहीं बाहर के हो तो आप लोगों की भी जो यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाएंगी इसको देख करके। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं वापस से जहाँ उन्हीं दिनों में चली जाऊँ और वापस से मैं फिर से ट्रेन में बैठ जाऊं और मैं चली जाऊं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता जो हम सोचते हैं। तो बस यहाँ पे मूढ़ी वाला आ चुका था, तो हम लोगों ने यहाँ की फेमस झाल मूढ़ी खाई थी। झाल यानी मिर्चे, मूढ़ी यानी लैया, बहुत से लोग इसे लैया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे चाय भी बहुत ही मज़ेदार सी थी और कॉफ़ी भी ली जाती, और ये है हमारा नाश्ता जो कि चिकन फ्राई मैंने बनाई थी, और बन मक्खन भी मैं लेकर के आई थी। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ इंतज़ाम करके मैं चलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे किसी चीज़ की परेशानी ना, और वो पीछे जो है मेरा हैंड वॉश गिरा हुआ था। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोगों का पानी की लाइन भी है, पानी भी शॉर्ट नहीं हुआ है, कहीं स्टेशन पे रुक करके तो ज़रूर हम लोग जो है पानी लेंगे। तो बस हम लोग यही सब था कि देख रहे थे, कभी मैं सोच रही थी मैं जो जो करूँ ट्रेन में मैं तो उतना कुछ नहीं कर सकती, बट हाँ जो खाने पीने का था, जो अच्छे अच्छे सीन थे मैंने उन्हें कैप्चर किया। अभी आप ये देख सकते हैं कि जो है सनसेट जो है होने जा रहा, अभी टाइम है लेकिन जो है सन जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें रोशनी थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुंह पर जैसे ना लग रहा था इस तरह से। तो बस यहीं पर ही हम सुबह से बैठे, सुबह मीन्स 1:15 पर हमारी ट्रेन चल दी होगी। उसके बाद से जो मैंने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर किया सब कुछ,
तो जी ये हो चुका था नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग थी और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुके थे। तो जी हाँ, लखनऊ बिल्कुल यहाँ से करीब था, तो बस ये लखनऊ के ही वे में है, मतलब लखनऊ ही जाने का ये रूट है और हम लोग बस आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं बस जब जब जैसे जैसे ट्रेन बढ़ रही है, वैसे वैसे मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी कि कब घर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह घर आ भी गया, घर में मिल भी चुके और घर से वापस आ करके अपने घर पर भी आ गए। तो यहाँ पे जो इस तरह से छोटे छोटे मकान और छोटे छोटे रास्ते दिखाई देते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल व्यू होता है, माशाल्लाह ऑसम व्यू होता है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से ट्रेन की पटरी के पास में जो घर छोटे छोटे मकान बने रहते हैं उन्हें देखना। और यहाँ पर जो है अभी हमारी मंजिल बिल्कुल करीब है, तभी ट्रेन जो आप देख सकते हैं स्लो मोशन में है। और बस हम लोगों ने जो है चारबाग स्टेशन में एंट्री कर ली है। जी हाँ, लखनऊ का जो स्टेशन है चारबाग स्टेशन, मेरा घर आ चुका है। ये देखिए लखनऊ लिखा हुआ है बोर्ड पर, कितनी खुशी हो रही है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पर ही पहुंच गई हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहुँच गई हूँ। और बस मुझे देख करके रोना सा भी आ रहा है कि काश मैं वापस चली जाऊँ या थोड़े दिन और मैं रुक जाती वहाँ पर। और ये रहा खम्बन पीर बाबा का मज़ार जो कि बहुत ही मशहूर है, और ये यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये है वो फेमस मज़ार जो हमारे चारबाग स्टेशन पर है, खम्बन पीर बाबा का मज़ार। तो यहाँ पर मैं बचपन में अपनी फुप्पी के साथ काफ़ी ज़्यादा आती थी। तो अभी देखिए जी यहाँ पर जो है हो चुकी है एंट्री हमारी, और बस हम लोग अब स्टेशन पर उतरेंगे और वहाँ पर क्या होता है वो भी आगे मैं कंटिन्यू रखूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन पूरे व्लॉग जो है अभी कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा सामान जो है कुली ने नीचे उतार दिया है और ट्रॉली में ये सारा सामान हमारा पैक होके होगा घर की तरफ रवाना। तो आप देख सकते हैं हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे जो है ऑटो में बैठ चुके हैं, हम लोग उतर आए हैं। ये रहा हमारा चारबाग स्टेशन। तो जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि अभी तो हम लोग जा ही रहे थे घर की तरफ, जब आएंगे तो उतना ही बुरा लगता है। तो ये हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुँच चुके थे लखनऊ, और यहाँ से मेरा घर जो है चारबाग स्टेशन से काफ़ी करीब है। तो जी फाइनली अब हम लोग जो है घर पहुंच चुके थे, खाना शाना खा करके पेट पूजा करके पेट एकदम फुल हो चुका था। तो यहाँ पर हमारी चल रही थी पुचका पार्टी यानी बताशा पार्टी, उसके बाद हम सब मिल करके ऊपर गए क्योंकि जब खुली खुली छतें या खुला खुला जो माहौल मिलता है ना, ओ माय गॉड, मतलब बहुत ही ऑसम व्यू था। आप देख सकते हैं बादल उसी टाइम आ चुके थे लेकिन ये सब नामुमकिन था क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के थे, बरसने के बिल्कुल भी नहीं थे। बारिश तो मुश्किल से एक दिन हुई होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो चलिए फिर करती व्लॉग को एंड, इंशाल्लाह तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा एंड ढेर सारा अपना।